नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गुड़ी पड़वा। नया साल सोने चांदी में होगा धमाल। इस शुभ मौके पर सोने चांदी की खरीदारी काफी ऑस्पिशियस मानी जाती है, लेकिन इस शुभ मुहूर्त में अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे होंगे तो तमाम तरह के सवाल भी आपके मन में आ रहे होंगे। क्यों खरीदे सोना? अगर खरीदेंगे तो आगे कितना रिटर्न मिलेगा? क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी समझदारी होगी? और खरीदने का मन बना भी लिया है तो गोल्ड सिल्वर के किस विकल्प का चुनाव करें? यानी तमाम तरह के आपके पास उलझने होंगे, और विकल्प का चुनाव अगर हो भी गया कि किस विकल्प में हमें पैसा लगाना है, तो फिर मन में दुविधा होगी कि खरीदारी में क्या सावधानी बरते, क्योंकि गोल्ड जब भी खरीदने जाते हैं तो तमाम तरह के एहतियात बरतने पड़ते हैं। तो आज हम अपने इस खास पेशकश में आपकी इन तमाम उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, और उन उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ एक नहीं बल्कि चार खास मेहमान हैं, क्योंकि इन मामलों को विशुद्ध रूप से गोल्ड का है जिसकी अहमियत सदियों से है और आगे भी हमेशा बनी रहेगी। हमारे साथ हमारे इस खास शो में खास मेहमान हैं आशीष पेटे साहब हैं, जो चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के, नितिन खंडेलवाल साहब हैं जो ज्वेलर्स हैं, पूर्व चेयरमैन भी हैं जीजेसी के, और साथ ही लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की तान्या रस्तोगी हैं, साथ ही रेनिशा चेनानी जी हैं जो ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। लंबे समय के बाद बाजार पूरी तरह से गुलजार दिख रहा है, मास्क की पाबंदियां हट रही हैं, दूसरी तरफ शादियों का सीजन फिर से शुरू हो रहा है। अब गुड़ी पड़वा के बाद अक्षय तृतीया, फिर शादियों का सीजन, और ये भी एक आंकड़े आ रहे हैं या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद से जुलाई तक 40 लाख से ज़्यादा शादियां हो सकती है। तो खंडेलवाल साल, जब ऐसा वक्त है और जिस तरह के मौके आ रहे हैं, सबसे पहले पेटे साहब आपसे ये सवाल होगा कि इंडस्ट्री के लिए ये कितना बड़ा मौका होगा, शादियों का सीजन, फिर गुड़ी पड़वा और साथ ही अक्षय तृतीया, क्या इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ये आने वाले कुछ महीने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये जो पिछले 2-3 महीने से थोड़ा मार्केट स्लो था, उसके बाद अभी नए साल में रेट्स भी थोड़े 1-1.5 हज़ार कम हुए हैं, और जैसे आपने सही कहा कि सारी शादियां आने वाली है, और पिछले ये हमें देखना जरूरी है कि पिछले 2 सालों से जो ये फेस्टिवल सीजन आता है गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया का, ये दोनों लॉकडाउन में चली गई है, तो 3 साल में पहली बार पूरा मार्केट खुला हुआ है, रेट्स जो इंटरमीडिएट पीक था उससे थोड़े कम हुए हैं, और नया फाइनेंशियल ईयर है। पिछले साल में लोगों ने अकाउंट क्लोजिंग करके अभी नया खरीदारी के मूड में आ गया है, तो मुझे लगता है आगे के 2-3 महीने अगर प्राइसेस इसी आसपास रहते हैं तो बहुत अच्छा कारोबार होगा, ये मेरा विश्वास है। ओके, नहीं, बेहतर कारोबार की उम्मीद है। खंडेलवाल साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पूरा माहौल बदल रहा है, आप महाराष्ट्र को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पर अब मास्क की पाबंदी भी हट रही है, ऐसे में एक फेस्टिव मूड भी है, शादियों का सीजन भी जल्द शुरू हो रहा है, इन सब को देखते हुए कितना बड़ा मौका एक कारोबारी के तौर पे आप देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के लिए त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है, नए वर्ष का प्रारंभ होता है, और इस दिन सोना लेने वाले का ये मानना जाता है कि उसको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ में सोना बेचने की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको निरंतर उसके अंदर बढ़ोतरी होती रहती है, तो काफी सारे मुहूर्त होते हैं घरों के, शोरूम के, लोगों के, तो ये काफी बड़ा दिन होता है, और इस दिन जो परचेसिंग होती है, चाहे छोटा है बड़ा, अपने बजट के अनुसार हर आदमी करता है, और खास करके शादी के समय का जो त्योहार के लिए के अलावा जो शादी की परचेसिंग होती है, लोग एक एक महीना वेट करते हैं, काफी समय से लोगों ने बुक किया, कई लोगों ने पेमेंट पूरा करके डिलीवरी भी गुड़ी पड़वे को ले जाने का बोला है, तो कुल मिला के गुड़ी पड़वे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और जैसा कि आशीष जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरा सहमत रखता हूं कि 100% इस बार का गुड़ी पड़वा सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत समय के बाद मिली है। एक जबरदस्त फेस्टिव मूड है, और लग रहा है कि ये इस बार का जो सीजन होगा वो काफी बेहतर रह सकता है। तो आशीष पेटे साहब, आप लोगों की एज ए ज्वेलर के तौर पर आप लोगों की क्या तैयारी है, और जीजेसी के जितने मेंबर्स हैं उन लोगों ने इस फेस्टिव मूड को भुनाने के लिए क्या तैयारी कर रखी है? राइट, गुड़ी पड़वा के मुहूर्त पे सब लोग कोई ना कोई नया नया कलेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि गुड़ी पड़वा के साथ साथ ही आगे आने वाला वेडिंग सीजन का तैयारी कस्टमर भी शुरू कर लेता है,
और जो ज्वेलर होते हैं वो भी नया ज्वेलरी का कलेक्शन लेके आता है। तो इस बार सभी ज्वेलर्स ने हमारे मेंबर्स में नए कलेक्शन लॉन्च किया है। दूसरा, उन्होंने कोई स्पेशल स्कीम्स सबने हमारे कस्टमर्स के लिए रखी है। किसी ने डिस्काउंट स्कीम रखा है, किसी ने नया कलेक्शन लाया है। और जो गुड़ी पड़वा के दिन पे जो बुलियन या इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें लोग सिक्के कॉइन लेते हैं, तो कॉइन्स और सिक्कों की तैयारी भी सब ज्वेलर्स रखते हैं और बड़ी जोर जोर से उन्होंने कस्टमर का स्वागत करने की तैयारी की। ओके, चलिए अब हमारे साथ तान्या रस्तोगी जी भी हैं। तान्या जी, आप लोगों ज्वेलर के तौर पे नॉर्थ इंडिया में किस तरह की तैयारी, हालांकि गुड़ी पड़वा वहां तो नहीं है, लेकिन एक ज्वेलर के तौर पर जिस तरह से माहौल अब बदल रहे हैं, पूरी तरह से रीओपनिंग हो रही है इकोनॉमी की, उसका कितना फायदा मिलेगा? और शादी के सीजन भी अब शुरू होने वाले हैं 14 अप्रैल के बाद से। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 लाख से ज्यादा शादियां हो सकती है, तो कितना फायदा होगा आप पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को? देखिए, जो आपने कहा कि साउथ इंडिया का है गुड़ी पड़वा, तो अभी क्या हो चुका है ना, ये तो इंडिया में सोना खरीदना इज अ हॉबी। अभी आप रिक्शे वाले से भी पूछेंगे तो उसको भाव पता होगा चांदी का और सोने का। और तो ये चीज अच्छा, प्लस क्या है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो जो चीज साउथ में चलती है वो चीज अब नॉर्थ में भी। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा ही अब इम्पोर्टेंस हो चुकी है। जो दो मेन डेज होते हैं पूरे साल के, जिसपे यहाँ नॉर्थ इंडिया पे ज्वेलर्स सारी तैयारी करते हैं, वॉर लेवल पे तैयारी करते हैं। एक होता है धनतेरस जो दिवाली के पास होता है, और उसके पहले अक्षय तृतीया जो होता है, उसके लिए सारे नए आपका पूरा नया जो प्रोडक्शन होता है, जैसे 30% ऑफ जो हम कहेंगे कि हमारा जो सेल्स ऑफ द ईयर होती है वो लास्ट क्वार्टर पे होती है। उसी तरीके से अगर आप अक्षय तृतीया का टाइम देखें तो अराउंड इट्स अ मैसिव अच्छा परसेंटेज अकाउंट करता है हमारी गोल्ड की सेल्स के लिए। तो सारे नॉर्थ इंडिया में भी इसका काफी हलचल होता है, इट्स अ फेस्टिव थिंग। और इंडिया में हमारा इंडस्ट्री वैसे भी इट इज अ फेस्टिव इंडस्ट्री, वेडिंग से चलता है, फेस्टिवल से चलता है, ऑस्पिशियस डेट से चलता है। तो यहाँ पर भी अच्छा पीछे रेट बढ़ा जो अभी अपना जियोग्राफिकल इशू के चक्कर में, जियोपॉलिटिकल इशू में, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा ही स्लो हो गया था। तो वी वर वेटिंग, अब कल से हमारा वापस नवरात्र आ रहा है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा वापस, जैसे अभी क्या है कि अभी सेल नहीं अच्छी है लेकिन लोगों के अंदर क्यूरोसिटी बहुत है। अच्छा, जब से ये एक नया जो रूबल के संग गोल्ड बैक्ड हो गया है फॉर ऑयल, वो उसके अंदर कस्टमर के अंदर और ज्यादा क्यूरोसिटी आ गई है, क्योंकि रिटर्न गोल्ड ने बहुत अच्छे दिए हैं और सारे एक्सपर्ट जो यही कह रहे कि पॉइज्ड फॉर अनदर रैली, तो ना अभी काफी तेजी से बढ़ना चाहिए। तो उसकी वजह से कस्टमर के अंदर जो क्यूरोसिटी है कि वो कई बार आके क्वेश्चन करके रेट समझ के जा रहे हैं, तो इट सीम्स इन सब एक्टिविटी से, मोबिलिटी इन द मार्केट से लगता है कि हमको अच्छा नवरात्रा मिलना चाहिए। एंड वेरी गुड अक्षय तृतीया, वी शुड सी दिस ईयर। ओके, यानी एक बढ़िया मूड है पूरी इंडस्ट्री के लिए और लग भी रहा है कि बेहतर रिटर्न है। लेकिन अभी जो गोल्ड का जो करेंट प्राइस है, इसमें वॉर प्रीमियम भी है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसका प्रीमियम भी गोल्ड खा रहा है। ऐसे में अब रेनिशा चेनानी जी, प्राइस के लिहाज से अगर कोई खरीदने जाए तो उसके मन में हमेशा रहता है क्या ये भाव सही है, भले ही मौका बहुत ही शुभ हो, खरीदने तो हम जा रहे हैं लेकिन क्या ये सही भाव पे हम खरीद रहे हैं कि नहीं, कहीं ऊंचे भाव पे तो नहीं खरीद रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए अगर कोई निवेशक है, निवेश के लिहाज से अगर देख रहा है, तो रेनिशा जी आप क्या सलाह देंगे? जी, नए साल की सबको बधाइयां। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स अभी थोड़े बहुत यू नो यूज टू हो गए ये प्राइस रेंज में, 50,000 से 52,000 की जो प्राइस रेंज है पिछले 3-4 महीने से। और इंडिया में जो यू नो गोल्ड प्राइस की इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, कि प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीने अगर प्राइस स्टेबल हो जाती है एक पॉइंट पे तो लोग खरीदना चालू कर देते हैं। एंड आप जो व्यू पूछ रहे हैं आगे चल के क्या हो सकता है, अगर हमें लगता है कि ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो खत्म हो जाता है, फायरिंग स्टॉप हो जाती है, बट जो दूसरे कंसर्न्स हैं अभी भी बने रहेंगे उसके बाद भी, मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सप्लाई चेन के इश्यूज एंड बॉटलनेक्स है, उसकी वजह से आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आने लगेगी। हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो यू नो सेंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, तो उन सब चीज़ों की शॉर्टेजेस हो रही है, तो
रशिया यूक्रेन से जो भी चीजें इम्पोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, वो सब काफी यू नो सप्लाई चेन के बहुत बॉटलनेक्स आ चुके हैं और इंटरनेशनली बहुत ही कंसर्न हो चुका है इस चीज का. तो इस वजह से यू नो सब चीजें अलग अलग वे से राउट हो रही है. जो चीज चाइना से आती थी रशिया से राउट होके चाइना के थ्रू आती थी, अभी वो रशिया के थ्रू आई मीन इंडिया के थ्रू आएगी या यूएई के थ्रू आएगी. तो सब चीजें रीराउट हो रही है, उसकी वजह से प्राइजेस बढ़ रही है. आप देख रहे हैं न्यूज में एवरी डे वी आर सीइंग कि काफी कमोडिटीज की प्राइजेस बढ़ रही है. तो द रीजन इज दिस ओनली. तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन काफी बढ़ेगा इस साल में, जो ऑलरेडी इतना हाई लेवल्स पर है और हम हाई लेवल्स का इन्फ्लेशन देखेंगे. ग्रोथ जो है इस साल थोड़ी यू नो स्टेग्नेंट हो सकती है. तो इस वजह से जो स्टैगफ्लेशन आने वाला है 2022 में, दिस वुड बी अ कंसर्न. और इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस काफी सपोर्टेड रहेगी. सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अराउंड यू नो 50,000. जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि वेट कर सकते हैं कि 50,000 पे आप खरीदें एंड देन 55,000 टू 58,000 पे प्रॉफिट बुक करें. और जो इन्वेस्टर्स हैं जो यू नो एक्चुअल ज्वेलरी खरीद रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है. गुड़ी पारवा पे वो खरीद सकते हैं 50% अक्षय तृतीया पे खरीद सकते हैं. तो उनका थोड़ा एवरेज हो जाएगा एंड आगे चल के यू नो उनको रिटर्न भी काफी अच्छे मिलेंगे. अच्छी रणनीति होगी कि 50% आप गुड़ी पाड़वा पे खरीद ले और 50% फिर अक्षय तृतीया मई के पहले हफ्ते में खरीद ले. अब खंडेलवाल साहब, आप ज्वेलर हैं, आप तो हर वक्त हर लेवल पे खरीदारी की सलाह देंगे, लेकिन एक निवेशक आप भी आपसे एक उम्मीद लगाया बैठा है, उनको क्या सलाह देंगे? क्या ये करेंट लेवल पे खरीदारी सही होगा या आपको लग रहा है कि 50,000 के नीचे भी भाव आएगा वहां पर खरीदना बेहतर रणनीति होगी? विश्वमोहन जी, इससे जाने के पहले एक चीज समझ लेना चाहिए. सबने लड़ाई की बात करी रशिया यूक्रेन की, एक चीज इसमें से बहुत बड़ी सीखने मिली है, 60 से 70 लाख लोगों ने पलायन किया है, वहां से कंट्री छोड़ के जाना पड़ा है. उनके टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर कुछ काम नहीं आया, ना उनका स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट काम आया, सारे बंद पड़े थे. एक ही करेंसी उनके काम आने वाली लाइफ के अंदर उनका लिया हुआ सोना और चांदी और डायमंड, जो लेके कहीं भी जाके कैश कर सकते हैं और साथ में अगर कोई ले जा सकते हैं तो केवल सोना चांदी और डायमंड, कुछ भी साथ नहीं जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ी सबक इस लड़ाई से मिली है. और मेरे मुझे काफी लोगों ने कहा है कि हमको रियलाइज हो चुका है कि यही एक चीज है जो जिंदगी में काम आ सकती. अब रहा सवाल सब प्राइस का, तो प्राइस देखिए फ्लक्चुएट होती रहती है. एवरी बैड न्यूज इज गुड फॉर गोल्ड बोलते हैं और उससे प्राइस कम ज्यादा होती है. एक कंसर्न खत्म नहीं होता है कि दूसरा रेडी रहता है, तो ये चलते रहने वाला है. कुल मिला के 4 कदम आगे जाएगा, 2 कदम पीछे आएगा, सब मिला के अगर आप देखेंगे तो 2 कदम गोल्ड और सिल्वर आगे ही रहती है. तो हर डिप में हर तरीके से बाइंग होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके. और जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि अभी कुछ परचेसिंग करें और कुछ अक्षय तृतीया में करें, सही रणनीति है, मैं भी इसके पक्ष में हूं. ओके, अब तान्या जी, आपको प्राइस के लिहाज से कैसा लग रहा है ये बाजार? आपको लग रहा है कि कुछ करेक्शन यहां से दिख सकता है, 2,000-3,000 रुपए गोल्ड यहां से आ सकता है? कई सारे एक्सपर्ट्स से मैं बात किया हूं, उनका मानना है कि 50,000 के नीचे जब ये वॉर खत्म होगा, रुक जाएगा, उसके बाद आएगा. तो एक निवेशक को आप क्या सलाह देंगी, क्या उनको मौका मिलेगा 2,000 रुपए नीचे खरीदने का? देखिए, 2,000 रुपए का करेक्शन तो मैं नहीं देखती, एक छोटा करेक्शन जरूर देखती हूँ कि जब वो वॉर पे पीस टॉक अगर बेटर होती है तो शायद उसका रिएक्शन आए. लेकिन अगर आप देखें तो बाकी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मेकअप करती हैं उस चीज को, कि अगर आप यूएस में देखें फोकस चला जाएगा, फिर वो फेड कैसे हैंडल करता है, कह रहे हैं कि मुश्किल है उनका बढ़ाना 50 basis points तक मई में, वो पता चलेगा. एंड उसके बाद भी अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करने का, जैसे अभी 7% के ऊपर है, उससे कॉम्बैट करने के लिए जितना सोना बढ़ना चाहिए था उतना अभी नहीं बढ़ा है, तो उसका भी स्कोप है वापस बढ़ने का. तो इन माय ओपिनियन छोटा करेक्शन एक आएगा, वो एक अच्छा बाइंग पॉइंट होगा, बट उसके बाद एक अच्छी रैली दोबारा देखनी चाहिए. ऑल्सो वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग की पी स्टॉक्स आर गोइंग टू कम सून, अभी वो सून आते हुए दिख भी नहीं रहे हैं. वो दिख रहा है कि ये चीजें और यू नो स्पाइरल ही कर रही है. सो इट में एक्चुअली जो हम सोच रहे हैं कि उसका फैक्टर इन हो गया है उसका प्रीमियम, बट वो हो सकता है अभी दोबारा आए, क्योंकि वी आर एज जैसे नितिन भैया ने बोला कि जब भी अभी आप देखें ना कि स्टॉक्स में ये वर्स्ट क्वार्टर रहा है 2 साल का, तो सेफ हेवन यानी कि और स्ट्रांग हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस और स्ट्रांग हो रही है. और ये हमेशा होता है, जब भी कैलामिटी कोई सी भी आती है, वो जो सेफ हेवन एस्पेक्ट ऑफ गोल्ड होता है वो दोबारा रीइन्फोर्स हो जाता है. तो मेरे हिसाब से आगे जाने में मतलब शॉर्ट टर्म में आप जरूर देख सकते हैं, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वापस हम हाई अप ही देखेंगे रेट को. थोड़े बहुत करेक्शन जरूर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको तेजी का ही
मन बनाना चाहिए, यहाँ पे तेजी का ही रुख जारी रहेगा गोल्ड गोल्ड में, पूरे बुलियन मार्केट में। आशीष पेटे साहब, अगर कोई यहाँ पर खरीदारी कर रहा है तो अगले एक साल में, अगले गुड़ी पाड़वा के समय उनको किस तरह का भाव देखने को मिलेगा? अगर 52,000 के आसपास का भाव है, अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ, तो कितनी तेजी की उम्मीद यहाँ से कर सकते हैं? जो जियोपॉलिटिकल टेंशन या यूएस में इन्फ्लेशन या रेट हाइक, ये सब फैक्टर साथ में लेने के बावजूद ये भी हमें देखना चाहिए कि अभी पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे खत्म हो गया है, सब मार्केट खुलने वाले हैं और उसके साथ साथ डिमांड भी सब जगह बढ़ने वाला है, तो फ्लक्चुएशंस इज गोइंग टू बी द नॉर्म इन द मार्केट। रेट तो ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन आगे का अगर एक साल का आप नजरिया देखना चाहेंगे तो मेरा ये मानना है कि 8 से 10% सोने की प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगी अगले गुड़ी पड़वा तक, ये मेरा मानना है। 8 से 10% का रिटर्न मुमकिन है। रेनिशा जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है ये इतना रिटर्न मिल सकता है मौजूदा भाव से? पिछले एक साल में हमने देखा है गोल्ड में अराउंड 15% जितने रिटर्न्स मिले हैं, तो मुझे लग रहा है सेम रिटर्न्स हम इस ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY23 में या इस गुड़ी पाड़वा से नेक्स्ट गुड़ी पाड़वा तक, बिकॉज यू नो गोल्ड एक तरह का करेंसी है, इन्फ्लेशन हेज है, सेफ हेवन एसेट है, जो जो ये रोल्स प्ले करता है वन बाय वन वो पूरे साल में कहीं ना कहीं फिर से प्ले करेगा, एंड आई थिंक लास्ट ईयर से इन्फ्लेशन उल्टा ज्यादा है इस साल, तो उल्टा ज्यादा हमको रिटर्न्स मिल सकते हैं, एंड इनफैक्ट जो सेफ हेवन बाइंग इस साल ज्यादा है, ETF बाइंग आप देखिए पिछले साल 300 टन का सेलिंग था इंटरनेशनली, इस साल 240 टन का ऑलरेडी बाइंग हो चुका है एक क्वार्टर में, तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट डिमांड है, अच्छी ज्वेलरी डिमांड होने वाली है, और हम इस तरह से देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर तक मुझे लग रहा है एटलीस्ट 59,000 to 60,000 तक के प्राइसेस हम देख सकते हैं। 60,000 तक के टारगेट रेनिशा जी दे रही है अगले एक साल में। अब खंडेलवाल साहब, अगर सोना और चांदी, अगर पूरे वित्त वर्ष अगर 22 की अगर बात करें तो करीब करीब 13-14% का रिटर्न सोने ने दिया है, हालांकि चांदी काफ़ी लैगर थी उस मामले में। अब अगर हम FY23 की बात करें, अगले एक साल में आपको क्या लग रहा है गोल्ड कितना रिटर्न दे सकता है यहाँ से? देखिए सर, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें जो होने जा रहा है वो हो रहा है कि रूबल और डॉलर के बीच में की लड़ाई, रूबल और डॉलर के लड़ाई में लोग कंफ्यूज है, क्योंकि अब लड़ाई कंट्री की नहीं, अभी दो करेंसी की होने वाली है, और उस करेंसी के कंफ्यूजन के अंदर एक ही यूनिवर्सल करेंसी बसती है, वो है गोल्ड। और मैंने काफी सारे पढ़े भी है यूट्यूब से लेकर सब चैनल पे, सभी दिख रहा है कि गोल्ड की तरफ सब कंट्री का आकर्षण बढ़ने वाला है, क्योंकि लड़ाई डॉलर जीतेगा या रूबल जीतेगा किसी को पता नहीं, पर एक चीज तय है कि गोल्ड जीतने वाला है, सोना जीतने वाला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा निवेश होगा, और गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा निवेश होने से इसके प्राइस जो है वो 12 से 15% तक के निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। 15% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं खंडेलवाल साहब, और FY22 में भी हमने देखा था करीब करीब 13 से 14% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। अब तान्या जी, आपको क्या लगता है गोल्ड या सिल्वर कौन बेहतर रिटर्न देगा FY23 में? तो सिल्वर इज वेरी वॉलेटाइल, सिल्वर का सबसे बड़ा बात है कि इट इज बेसिकली व्हेन द गोल्ड स्टार्ट्स टू गो अप वो एक सब्स्टिट्यूट के तरीके से आगे आता है, लेकिन सिल्वर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, तो बहुत वॉलेटिलिटी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए लोग जरूर यूज करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सिल्वर पे प्लस वॉल्यूमिनस होता है, तो वो जो एक जैसे अभी नितिन भैया ने कहा कि टीवी वगैरह पीछे छोड़ दिया, सोना लेकर ही आगे आप भर सकते हैं, तो एक वो जो लिक्विडिटी है गोल्ड में एंड कैरिएबिलिटी है वो उसका कोई दूसरा है ही नहीं सब्स्टिट्यूट। तो ऑफकोर्स आई वुड स्टिल से स्टे ट्रू टू गोल्ड, वही एक देखते आइए तो पिछले जितना भी रिकॉर्ड रहा है सालों सालों का, पिछले डिप्रेशन से लेके अभी की कैलामिटी को लेकर, मुझे लगता है गोल्ड में ही निवेश करना चाहिए, एंड अच्छा, बहुत अच्छा आगे फायदा जैसे ये बताया, एंड अभी हम लोग 15% भी कह लें, लेकिन जिस तरीके की अनश्योरिटी चल रही है पिछले अभी कुछ महीनों में ही देख लीजिए, साल भर का तो क्या ही कहे, तो वी डोंट नो आगे क्या होगा, तो आई थिंक वन थिंग विच रिमेन्स ट्रू एक हाँ इंटर अच्छा प्लस जो भी कंट्री वाइज करेंसीज हैं, फियाट करेंसीज हैं, वो और ज्यादा आई थिंक इररिलेवेंट होती चली जाएंगी, जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं जैसे कि क्रिप्टो है और गोल्ड है, आई थिंक वही चीजें आगे बढ़ के इम्पोर्टेंस और अपनी पकड़ती चली जाएगी, सो आई अग्री विद गोल्ड एंड आई स्टे ट्रू टू गोल्ड को प्रेफर्ड बेट मान रही है, और जितने चारों ही एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगले एक साल में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद गोल्ड से कर रहे हैं, लेकिन अब बेहतर रिटर्न गोल्ड तो देगा, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हल्के फुल्के करेक्शन आ जाए, अब लेकिन किस विकल्प का चुनाव करें, तो रेनिशा जी किस विकल्प में आप पैसे लगाने की सलाह देंगे अगर गोल्ड में किसी को अगर चुनना है तो?
किस विकल्प में जाना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आपकी वेडिंग है घर में तो आप ऑब्वियसली ज्वेलरी खरीदेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं सो आई वुड से कॉइन्स भी खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं और ETFs भी खरीद सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपका होराइजन क्या है। होराइजन इन्वेस्टमेंट होराइजन है और लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ऑब्वियसली आपको ये तीन ऑप्शंस लेने चाहिए। और अगर आपको यूज करना है ज्वेलरी तो आप ऑब्वियसली ज्वेलरी खरीदें। नहीं, आपकी अपनी चॉइस है, अगर यूज करना है तो ज्वेलरी से तो बेहतर कुछ है नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट एंगल देख रहे हैं तो आपके पास गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF जैसे तमाम डिजिटल गोल्ड जैसे कई सारे विकल्प मौजूद है। चलिए लेकिन अब बात कर लेते हैं चांदी की। ये हालांकि FY22 बहुत अच्छा नहीं रहा है चांदी के लिहाज से, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो लगातार बता रहे हैं कि चांदी FY23 में चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ ज्वेलरी डिमांड भी और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ से चांदी को ड्राइव कर सकती है। पेठे साहब, चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या है नए साल के लिए? चांदी को लेकर मेरा ये मानना है कि हालांकि चांदी सोने को मिरर करता है, उसका मूवमेंट मिरर करता है, लेकिन पिछले एक दो सालों में चांदी ने सोने से बेहतर रिटर्न दिए थे लास्ट ईयर छोड़ के। तो आने वाले साल में भी मुझे ऐसा लगता है कि जब सोना 8-10% मेरा मानना है, चांदी लगभग 15% तक अप्रिशिएट होने का मेरा मानना है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सोने का निवेश कैसा है, तो ये हम सबको ये देखना जरूरी है कि जो पूरे देश में जो फाइनेंशियली इलिटरेट लोग हैं, जिनको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं, उनके लिए सोना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। जो उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होते हुए भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका पैसा सेफ रहेगा। ओके, यानी साफ है, अगर चांदी ऐसे लोगों के लिए जो ज़्यादा अवेयर हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अच्छे तरह से समझते हो, जो लेकिन जो जिन जो बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो, उनके लिए गोल्ड है, आप आंख बंद करके भी पैसे लगा सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। खंडेलवाल साहब, चांदी को लेकर आपका व्यू, आपका भी लंबा अनुभव है, चांदी को आप इतने समय से देखते आ रहे, काफ़ी वोलेटाइल है और जैसे बाकी एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि एक मिरर के तौर पर चलती है, गोल्ड के साथ ये भी परफॉर्म करती है, तो चांदी में कितना लग रहा है, FY23 में कितना रिटर्न चांदी दे सकती है? देखिए, चांदी में स्कोप इसलिए ज्यादा दिखता है, हालांकि वो इजी नहीं है स्टोर करना लेना रखना, लेकिन इसलिए रिटर्न दिखता है कि आप इंटरनेशनल प्राइस अगर देखेंगे ऑल टाइम हाई, तो गोल्ड लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और दोबारा ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक किया है, उसके आसपास ही रह रहा है। अब चांदी में अगर ऑल टाइम हाई देखिए तो आप 50% भी है उसका, $48 और $50 के आसपास में चांदी जा चुकी है और अभी अगर देखा जाएंगे तो $25 के आसपास है, तो स्कोप चांदी में भी कोई कम नहीं है, चांदी के अंदर डबल का स्कोप है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो स्कोप 2023 में पूरा हो जाए, 2023 में समय लेंगे, लेकिन चांदी में स्कोप ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर अभी ऑल टाइम हाई के काफी आधे बीच में है वो, यानी चांदी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं की है, तो चांदी में निवेश के मौके ज्यादा है खंडेलवाल साहब को लग रहा है। हो सकता है कि आपकी जो आपका जो टाइम फ्रेम हो उस टाइम फ्रेम में चांदी उस तरह से परफॉर्मेंस ना दे, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया तो डेफिनेटली चांदी एक बेहतर विकल्प होगी। तान्या जी, आपको क्या लगता है चांदी को लेकर? सिल्वर इन माई ओपिनियन, सिल्वर यूजली बहुत वॉलेटाइल है और बहुत नुकसान दिया है काफी, मतलब अगर मैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आज भी बहुत क्लाइंट है जो कहते हैं कि लिटरली हाथ जला है जिनका, तो चांदी से लोग बहुत डरते हैं, इवन वेन दे सी वेरी गुड रेट तो भी काफी बार थॉट प्रोसेस लगाते हैं, देन दे लाइक टू प्रेफर टू गो टू गोल्ड, तो कोई रीजन नहीं होता ऐसा। हाँ, जब सोना आपके खरीदने के कैपेसिटी के बाहर हो जाता है तब लोग चांदी में एक बार निवेश करते हैं, या एकदम से वॉलेटिलिटी दिखाता है तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी एक बार उसमें प्ले करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक कि सिल्वर को होल्ड करके कोई उसे अर्न करना चाहता है एज ऑफ नाउ, तो मेरा तो बहुत रुझान नहीं रहेगा चांदी की तरफ, एंड आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज्यादा अच्छा इस बार दिखाएगा भी। आई थिंक गोल्ड पर ही अभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आएगा, जो कि देखा भी गया है कि जब इमीडिएट कैलामिटी होती है तो गोल्ड पे ही, हाँ, दोनों का गैप जहां जहां सोना और चांदी के बीच में भरता है वो जरूर एक बार चांदी को पुश देता है, तो उतना ही पुश दिखना चाहिए सिल्वर में, ये मेरा ओपिनियन है इस बार दिस ईयर। चलिए अब रेनिशा जी, अब आप बताइए कि चांदी में अगर किसी को निवेश करना है, हालांकि चांदी को सबसे स्टोरेज को लेकर चिंता रहती है, तो किस विकल्प के साथ जाए? अब तो एक सिल्वर ETF भी आ चुका है, तो चांदी के निवेशकों को या ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे रेनिशा जी? आपने जिस तरह से कहा कि स्टोरेज का कंसर्न रहता है, और अगर सिल्वर में आपको इन्वेस्ट करना है
तो देयर टू ऑप्शंस, वन इज आप सिल्वर ETF में बाइंग कर सकते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, दूसरा है डिजिटल सिल्वर जो ऑगमॉन्ट के प्लेटफॉर्म पर भी है. सो आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सिल्वर ले सकते हैं, डिजिटल सिल्वर या सिल्वर ETFs SIP कर सकते हैं. बट मुझे लगता है सिल्वर को अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो $30 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. जब तक वो क्लियर नहीं होता मुझे नहीं लगता कि सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस आएगा गोल्ड से भी. एंड इस साल जैसे एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में एक सेंट्रल बैंक बाइंग भी आने लगी, जिस तरह से रशिया ने गोल्ड को अपने रिजर्व में ऐड किया है, बाकी सेंट्रल बैंक भी उसको सेफ हेवन एसेट की तरह ऐड करेंगी. तो गोल्ड में अगर रैली स्टार्ट होती है तो स्पेक्युलेटिव बाइंग आती है गोल्ड में, तो उसी के साथ लोग सिल्वर भी उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर $30 क्रॉस होता है तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रैली सिल्वर में भी आ सकती है. इनफैक्ट इट कैन अगेन टच न्यू हाइज, $40 या $50 भी आ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही स्पेक्युलेटिव कमोडिटी है. हम देख सकते हैं 2-3 महीने में प्राइजेस $30 से $50 हो गई थी 10 साल पहले. तो इट वोंट टेक मच टाइम, बट वो एक रेजिस्टेंस क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है. बट उसके अलावा जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता, छोटा छोटा बाइंग करते रहिए, सिल्वर में SIP करते रहिए, ग्रेजुअली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. ओके. यानी देखिए, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स है गोल्ड पे ज़्यादा बुलिश है, उनको लग रहा है कि गोल्ड बेहतर रिटर्न, ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगा. चांदी, हालांकि आपका अगर नज़रिया लंबा है और आप अवेयर है सारे प्रोडक्ट्स को लेके, फिर चांदी में लगाइए, फिर लंबी अवधि में चांदी भी आउट परफॉर्म कर सकती है. चलिए, इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं. शुक्रिया पेठे साहब आपका, खंडेलवाल साहब आपका, तान्या जी और रिनेशा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने वक्त निकाला और इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया. तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ET900 देश पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा. नमस्कार.